नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ सोनू कुंतल। जब हम घर में शाम को सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले जिस सब्जी का नाम हमारे दिमाग में होता है आलू, क्योंकि आलू को हम किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जब आलू खेत से निकलता है और जब हमारे कटोरी में आता है खाने के लिए, उसके बीच की प्रोसेस बहुत लंबी है। पहले बीज डाला, फिर पेड़ हुआ, फिर उसको बाहर निकाला, फिर उसके बाद डायरेक्ट बिक गया तो ठीक, नहीं तो कोल्ड स्टोरेज गया। कोल्ड स्टोरेज क्यों गया? क्योंकि आलू को जब खेत से निकलता है आपके थाली में आने तक बहुत लंबा समय लगता है। लंबा समय बोले तो कई महीने, 6 महीने, 7 महीने, कई बार 1 साल, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज में जाना पड़ता है। तो आप हमारी परिस्थिति को अगर देख रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, तो ये हमारा स्टूडियो नहीं है, जैसा कि अमूमन आप हमको एसी के स्टूडियो में देखते हैं। आज हम कोल्ड स्टोरेज में खड़े हैं और कोल्ड स्टोरेज में अंदर, जैसा कि नाम से आपको विदित है कि काफ़ी ठंड है, बहुत ठंड हमको लग नहीं रहा, लेकिन ठंडा एरिया जैसा लगता है। जैसे फ्रिज खोलने पे जो ठंडक हमें महसूस होती है, वही महसूस हमको इस कोल्ड स्टोरेज में खड़े होने पे हो रही है। अब आप ऊपर आ जाइए और साथ में चलते हुए बात करेंगे। आइए ऊपर। चलो भैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोल्ड स्टोरेज में आलू के अलावा और कौन कौन सी फसलें रखी जा सकती हैं? भैया ये तो अलग अलग होता है, ये आलू के लिए ही बनाया है। अच्छा, मतलब कोल्ड स्टोरेज अलग अलग टाइप के होते हैं? जैसे केला का अलग होता है, और जैसे सब फल है जो उसका अलग है, ये आलू का ही है। सिर्फ आलू, इसमें सिर्फ आलू रख सकते हैं? अच्छा, जैसे कि हम इस पर आलू के बजाय इसमें गोभी रखना चाहें तो उसमें क्या बदलाव करने पड़ेंगे? ना इसमें नहीं रख, उसके अलग वो बनाए जाते हैं। क्या उसमें टेम्परेचर का अंतर आता है? टेम्परेचर का फर्क होता है? टेम्परेचर का फर्क ऐसे ही ना। तो आलू का टेम्परेचर कितना होता है? 34, 33, 34, 33, 34, 33, 35। तो अब हम 34 में खड़े हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, 34 में खड़े, अभी नहीं, अभी 34 में नहीं हो, 34 में नहीं हो, अभी 34 में तो बहुत गर्मी होती है, हमें तो ठंड लग रही है यहाँ पर। नहीं नहीं, अरे वो माइनस के साथ, माइनस 34 में, माइनस में, माइनस में 34 है फिलहाल। तो चारों तरफ आलू है ये। अच्छा, ये आलू जैसे आपने ये बोरे में बंद करके यहाँ रखे हुए हैं, हाँ जी, इनको ऐसे खुला डाल कर रख सकते हैं? नहीं। क्या कारण है? ये हवा पास कैसे होगी फिर इसमें? इसमें हमारे पास जैसे गैलरी है कि गैलरी छोड़ी गई है, इसीलिए छोड़ी गई गैलरी। खुला आलू ही आ नहीं पाएगा, आई नहीं पाएगा खुला आलू, इतनी दूर तो पहुंच जाएगा, ऐसे खुला आलू नहीं पहुंच पाएगा। बंद में रखते हैं? हाँ, बंद में रखते हैं। और जैसे किसानों का भी चक्कर है कि जैसे कोई किसान रख के गया यहाँ पर, वो किसान नहीं है, हम लोग सब किसान है, अलग अलग जितने सब किसान ही है, पहचान रहे कौन किस तरफ रखे गए। रैक नंबर जी पड़े जी। अच्छा, तो ये ठंडक जिस चारों तरफ इसमें लकड़ी है ना? हाँ, लकड़ी है। तो ठंडक किस तरफ से आ रही है? ऊपर से आ रही है, सबसे ऊपर से। आइए ऊपर ही चलते हैं फिर ठंडक के। अच्छा, वहाँ मशीन नहीं दिखेंगी हमको? ना, मशीन नहीं दिखेगी वहाँ, वो तो अलग है, बंद है मशीन। अच्छा, तो जैसे ये एक कोल्ड स्टोरेज नंबर है, ये जैसे 100 है, 116 है, 132 है, इस हिसाब से जाकर किसान के लगे हुए हूँ। कहाँ है 116, 132, इसी हिसाब से 17, आपका नाम इस हिसाब से, उसी हिसाब से नाम लिख दिया आप 132 में तुम्हारी रैक नंबर में, उसी से सारी निकला। अच्छा, तो जैसे ये पार्टीशन बनाए गए हैं और नीचे और ऊपर ये लकड़ी के पोर्शन है ना, इसमें परमानेंट ठंडक ही रहती है ना? तो ये गलती नहीं है, कितने बार, कितने साल में चेंज करने पड़ते हैं? अरे नहीं, मतलब टूट जाती है, मरम्मत होती है, टूट गलती नहीं है, एक सीजन के बाद मरम्मत होती है इसकी पूरे की। हाँ, रिपेयरिंग होती है। इसका सीजन स्टार्ट कब होता है? फरवरी में। फरवरी में यानी कि मार्च, एक महीना नवंबर में स्टार्ट हो गया, तो फरवरी से नवंबर तक इसमें आलू रहता है मोस्टली। उसके बाद उसके जो यानी उसके बाद फिर सफाई होती है, जनवरी और दिसंबर में रख जाता है। 2 महीने आपको इसके मरम्मत के लिए मिलते हैं, आप उसको बना सकते हैं 2 महीने के लिए। अच्छा, और अगर हम इस तरफ चलें तो ये जैसे ऊपर की, आप तो ऊपर कर लो या नीचे करो, कहीं भी दो जगह लकड़ी के ये अलग अलग क्यों बनाए गए हैं ऐसे? मतलब इसको ऐसे सिंपल तख्ता हम रख सकते थे ना, वो क्यों नहीं रखा? हवा नहीं पास, हवा के लिए भैया, हवा का घुमाने के लिए, आपस में एक दूसरे को वातावरण नीचे तक के लिए, तक के लिए। और मशीन ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है? तो नीचे से हवा दे जो ऊपर से आती है, उसका जो सिस्टम है, तो एक वो सिस्टम नहीं है, जो ठंडा होती है, ठंडक होती है, वो भारी होती है, वो नीचे जाती है, इसलिए ऊपर लगती है, ऊपर से नीचे हल्का होता है, ऊपर जाता है। हाँ, ठंडक भारी होती है, वो नीचे बैठती जाती है, इसलिए इसलिए ऊपर रखते हैं मशीन, मशीनों को ऊपर रखते हैं। -34 डिग्री पर चल रहा है आलू के बोरे। और इसमें जैसे एक बोरा किसी को रखना हो, किसान को एक सेक्शन मिलता है, जैसे आप बता रहे वार्ड है, हैं तो एक वार्ड के लिए कितना रेंट लगता है? ऐसे तो नहीं पता लग पाएगा, इतने बड़े मामे ऐसे कैसे पता लग जाएगा? रेंट कैसे?
मतलब जैसे ये एक वार्ड है, 100 नंबर हमने ले लिया, हाँ, है ना, ऐसे ही लेते हैं ना? हाँ। ना, 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 लेते? ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रखते हैं। ऐसे रखते हैं इनको, ऐसे रखते हैं जिस किस किसान के 100 बोरे हैं, किसी के 100 बोरे हैं, तो 100 बोरे एक साठ में लग जाते हैं, जैसे कि लगभग 100 बोरे लगा दिए, उस पर निशान लगा देते हैं स्याही से, फिर दूसरा किसान आगे उसके 50 कट्टे वो 50 धर देगा, फिर उसका लाट नंबर डाल देते हैं, नंबर पड़े रहते हैं उन पर पर्ची से। अच्छा, मतलब रेंट वार्ड के हिसाब से नहीं, बोरे के हिसाब से, बोरे के हिसाब से, जैसे किसान आते हैं पट्टे लिख जाते हैं बस नंबर डाल के, जैसे किसान आते हैं इसका यहाँ तक लाइट हो गया, दूसरे किसान, हाँ सब किसान है। अच्छा, तो एक बोरे का कितना रेंट लगता है? करीब 100 रुपया। कितने दिन का? लास्ट नवंबर तक। आज निकालो तो, आज निकाल लो तो भी 100 रुपए लगेंगे, और नवंबर तक निकालो तो 100 रुपए लगेंगे। रख गया एक बार, घुस गया उसके पैसे, चाहे उसको अगले दिन निकाल लो, चाहे वहाँ कुछ भी कर लो, बिल्कुल चाहे तो अभी निकाल लो, चाहे नवंबर में निकालो। एक बोरे का 100 रुपया, 100 रुपया। और एक बोरे में आलू कितना होता है? 50 किलो, 50 के लगभग होता है, 50-55 किलो के लगभग में हो जाता है। 50 मेरे हिसाब से किसान इसको मोस्टली मई या जून में निकालते होंगे। हाँ जी, हाँ, बुवाई के सितंबर में निकालते हैं। हुआ जरूरत पड़ गई जैसे फरवरी थे तो मार्च में हूँ, ऐसा क्या भैया? मुनीम जी हैं, यही लगा जैसे भाव तेज हो जाता जब बेच देते किसान, तेज के इंतजार करते, तब रेट का इंतजार करते हैं, रेट महंगा होता है तभी निकाल लेते हैं। नवंबर में दूसरी फसल आएगी उस समय पर, और आलू सस्ता हो जाएगा, तो यहाँ रखने का क्या फायदा है? तो उस समय तो उससे पहले बेच देंगे। नहीं ऐसा है, जब किसान का आलू रख गया, किसान का आलू निकलता कब खेत में से, कौन से महीने में? ये फरवरी में निकलता है, फरवरी में निकलता है, 20 फरवरी से। और जो है कार्तिक का महीना जो आता है उसमें बुवाई चालू हो जाती है। कार्तिक का महीना कौन सा होता है? कौन सा? 20 अक्टूबर के बाद बुवाई चालू हो जाती है, 4 महीना तक बुवाई करके फिर इसको रख देते हैं, जैसे भाव मद्दा है तो रख देते हैं, जब भाव में गाओ, जब किसान कभी बेच सकते हो, कभी बेच सकते हो, नवंबर में ही बेचेंगे, जिस किसान को मानो जरूर बजाय कल ही बेच सकते हो। तो ये आलू का रेट आपको कितना मिलता है? आलू का रेट तो देखो किसान को कितना मिलता है, किसान यहाँ कोई नहीं है, ये जो जो रेट बिकेगा, जो व्यापारी आते हैं बोली बोलती है, वही तो कह रहे 10-5 कट्टो। ये तो देखो अब चल रहा है 8.5 से चल रहा है, 700 रुपया की एक दिन पोजीशन ऐसी 200 रुपया कट्टा बिको, 200 रुपया पिछली साल, हाँ 4 रुपए किलो, हाँ ऐसी पोजीशन रह गई के यही में रखो छोड़ दें। अच्छा, ज्यादा भार होने के कारण बिक्री महंगा है। सुनो भगत जी, जैसे इनको भाड़ो ज्यादा है, वो 100 रुपया कट्टा का पैसा ले गया किसान इनसे 1,50,000, पैसा टूट रो है, निकालने नहीं आएगा। इनसे पैसा कैसे लेके गए? मतलब इनसे ऐसे लेगो पैसा, जैसे हमने आलू रखे 500 कट्टा, ठीक है, और हम ले गए इन पे तो 1-2 लाख रुपया, 1-1.5 लाख वैसे ले जहाँ दे देते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, लोन के रूप, फिर वो ना बिको उधार लेके आड़त के रूप, हाँ वो बिको, जैसे हमारा 200 रुपया, ठीक है भाई, 200 रुपया में 100 रुपया तो भार ही है इनको, फिर हमें काम में लेगो हम, उसमें आपका बीज भी था पहले, बीज भी था, तो ये बात है, ये पोजीशन है। ऐसे भी होता है कई बार, ऐसे भी हो जाता है, छोड़ देते हैं, पैसा मिल जाए वो किसान है। अब की बार संभावना है, 3 साल बाद आया है थोड़ा भाव, अब जो 3 साल के बाद, पिछली साल तो बिल्कुल रेट डाउन रहा, किसान कछु मिले ही ना। अच्छा, ये पोजीशन है इसका। वैसे 1 किलो आलू में किसान की कितनी कॉस्ट लग जाती है? आलू किसान को 1 किलो आलू कितने रुपए में पड़ता है लगभग? भाई ये तो कोल्ड स्टोरेज समेत, कोल्ड या कोई आंकलन ना है, अब तो बहुत से के तो 20 कट्टा को बीगो भय हो। अच्छा, और काउ को 50 को भयो, जैसे कीला 100 को है, को कीला 250 को, कीला तो समझे तुम नंदगा माओ के भाई, ये पोजीशन होती है। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं बता पाए, तो ऐसे बताओ कि कम से कम कितना रेट होना चाहिए किसान को अपनी रोजी रोटी उसमें से निकाला है? कम से कम होना चाहिए 500 रुपया, 500 रुपया कट्टे का, 50 किलो यानी कि 10 रुपया किलो आपको। लेकिन मार्केट में तो इतना ही मिलता है हमेशा, वैसे भी मार्केट में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, किसान को नहीं मिलता है। अच्छा, मार्केट में तो फुटकर बाहर है, ये मंडी का भाव नहीं है भैया। अच्छा, मंडी में तो जैसे मार्केट में तो जैसे आरो, एक सेकंड कट्टे आ रहे हैं, जैसे वो लेके आते हैं वो लोग यहाँ तक कट्टा खरीद लियो 300 रुपया को, 3 दूनी होना चाहिए 6 रुपया किलो, वो बेचेंगे 10 रुपया किलो, तो मतलब मार्जिन वो लेके जाते हैं, मार्जिन बिचौलिया को मिलता, किसान को नहीं मिलता है, समस्या यहाँ पर आती है, क्योंकि जो कस्टमर खाने वाले वो तो उसी रेट खरीदते हैं। हाँ, ये मेन समस्या है, तो ये समस्या कैसे हट सकती है फिर? ये कैसे हट जाएगी भाई, उन्हें पेट का पालन करना गरीब लोग।
वो भी व्यापारी हैं, वो तुम्हारे वो भी दुकान लगाते हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए। दरवाजे पे लेके जाए वो ढकेल या कोई वैसे मान, ये समस्या तो ऐसे हटेगी जैसे गेहूं का रेट निकाल दिया सरकार ने, पहले 1830 अब 1930 है, यानी एक रेट बन जाए किसान के लिए आलू का, एमएसपी बन जाए। हाँ हाँ, तो किसानों को फायदा पहुंचेगा पूरा। अब तो व्यापारी खरीद ले जाते हैं, मतलब जैसे कि आपका 5 रुपए किलो बिक रहा है और आपके 10 बिके, तो 5 रुपए आपको गवर्नमेंट दे, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। ऐसे आप तब फायदा होता है। आलू का एमएसपी होना चाहिए। हाँ जी। बस अच्छा अच्छा। और कोई समस्या आलू के बारे में आपको लग रही है जो ना? और कोई समस्या ना, ये समस्या केवल रेट की समस्या है, रेट का एमएसपी डिसाइड होना चाहिए जी। आपने आलू के किसानों से हमने आपकी बात कराई और साथ में हमने आपको कोल्ड स्टोरेज की समस्या बताई कि इसमें कितने समय तक हम आलू रखते हैं और इसका टेम्परेचर -34 डिग्री वो उन्होंने बताया जो यहाँ के केयर टेकर थे 34 डिग्री पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई कि जब तक आलू का एमएसपी डिसाइडेड नहीं होगा बाय द गवर्नमेंट, तब तक आलू के किसानों को वो वांछित मुनाफा नहीं मिलेगा जिसके लिए वो आलू को उगाते हैं, यानी कि जिसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं या बच्चे तन पे कपड़े होते हैं, वो सब उनकी जेब तक तभी पहुँचेगा जब सरकार डिसाइड करे आलू का कोई निर्धारित एमएसपी। और आलू का एमएसपी कितना होना चाहिए ये बात सरकार अपनी तरफ से निर्धारित ना करे, उसके लिए पहले किसानों से बात करे, क्योंकि जैसे गेहूं का किया गया है। तो ये तमाम बातें थी आलू के विषय में। आपको ये बातें जैसी भी लगी हों वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी अपने घर में आलू खाते हैं तो किसी किसान का उगा हुआ ही खाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना आपका फर्ज बनता है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, धन्यवाद।